हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? और सबसे पहले मेरे प्यारे से चुलबुले से बेटे से मिलिए, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज़, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो यहाँ देखिए, आज शायद मैं नहीं, मेरा बेटा बनाने वाला है, ये आप देख सकते हो। हाँ, अच्छा, क्या करना है अब हम लोग को? पहले क्या करना? अच्छा, लाइटर लेना है। ओहो, उसके बाद लाइटर लेकर के लाइट लेके क्या करना है? अच्छा, गैस ऑन करना है हम लोगों को। अच्छा, हाँ, तुम्हें आता है बनाने? अच्छा, आटा गूंदो, आटा ये करो, मैदा जो गूंद के रखा है मैंने, करो तो उसको, करो तो, आता है? आता है तुमको? कैसे? हाँ, उसमें हम लोग डालेंगे, कढ़ाई में। चलो अब तुम चुपचाप यहाँ से भागो और मैं अपना काम करूंगी, ओके? चलो फटाफट भागो, फटाफट। ये टेबल कौन लेके जाएगा? टेबल मम्मा लेके जाएगी। सोचा है इफ्तार के लिए चिकन रोल बनाने का, तो उसके लिए मैंने चिकन के छोटे छोटे पीस कट करके रखे हुए हैं, और उसे तेल में आप फ्राई कर लो, और फ्राई करने के बाद 2 मिनट के लिए आप ढक के रख सकते हो अगर आप चाहो तो, क्योंकि मैं ढक के रखती हूँ ताकि अच्छे से गल सके वो। और उसके बाद उसमें आप लहसुन डालो, लहसुन डाल के अच्छे से मिलाओ उसको। उसके बाद सारे मसाले डालो, जैसे लाल मिर्च हो गया, गरम मसाला हो गया, हल्दी हो गया, नमक हो गया, ज़ीरा, गुल मिर्च, सब डालकर आप अच्छे से मिलाओ। और उसके बाद उसमें दही डालो, और दही डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है, और उसे अच्छे से पहले मिलाओ। उसके बाद आप नींबू का रस डालो, सबसे टेस्ट ज़्यादा बढ़ेगा आपको, नींबू के रस से भी बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ता है। उसके बाद नींबू का रस आप डाल के खूब अच्छे से चलाओ, और मैंने इधर धनिया की पत्ती और मिर्च मिलाकर चटनी पीस रखा है, और उसमें मैं मेयोनीज डालूंगी और थोड़ा सा दही भी डाला है उसका चटनी अच्छे से बनाने के लिए, उससे बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ता है वो सब मिला के खाने से। तो चलिए, ये हमारा चटनी रेडी है, और अब हम चिकन में केचप डालेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा मैं मेयोनीज भी डालूंगी, सबसे टेस्ट बहुत अच्छा बनता है, आप बना कर देखो, खा कर देखो। और इन सबको अच्छे से आप मिक्सअप कर लो, और उसके बाद आप उसमें धनिया की पत्ती डालो, धनिया की पत्ती को भी अच्छे से डालकर मिक्सअप कर लो। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक तरफ चॉप करके सब कुछ रख लेंगे, मैंने पहले से कर रखा है, प्याज, टमाटर और धनिया की पत्ती। नॉर्मली रोल के ऊपर ना कच्चा ही रहता है सब कुछ, आप खीरा भी डाल सकते हो, आप शिमला मिर्च भी डाल सकते हो, मगर मुझे कच्चा इतना पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा थोड़ा तड़का लगाया जाए इसमें। मैंने जो चटनी बनाई थी उसको मैंने मिक्सअप कर लिया है सब में, और उसके बाद मैं उसे सर्व करूँगी। और इधर मेरी रोटी भी बन चुकी है मैदा की, मैंने आटे गूंदने के लिए मैदा में नमक घी सब मिलाकर आटा गूंद कर रख दिया था, और अब रोटी बेलकर और मैं सेक रही हूँ, और उसके बाद उसे मैं अब सजाऊंगी अच्छे से, प्लेटिंग करूंगी उसकी, और उसमें आप रोटी में चिकन अच्छे से डाल दो, और जो हमने चटनी में पूरा प्याज व्याज मिक्स किया था उसे ऊपर से आप डालो, और उसके बाद थोड़ा कच्चा भी डाल दो आप इसमें, ठीक है? और उसके बाद हमारी यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी चिकन रोल रेडी है खाने के लिए, इफ्तार के लिए। और आज मेरा मन किया मीठे में ब्रेड का हलवा बनाने का, तो बस आप पैन में घी ले लो, अगर आपको घी नहीं पसंद हो तो आप ऑयल ले सकते हो, और उसके बाद उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल लो, और पहले से मैंने ब्रेड कट के रखा था तो ब्रेड को आप डाल दो, खूब अच्छे से लाल करके उसे फ्राई करो। उसके बाद उसमें आप दूध डालो, और उसके बाद आप उसमें चीनी डालो, सब डाल के मिक्सअप करके अच्छे से उसे मिलाओ, और मिलने के बाद जब उसका कलर रेडिश हो जाए उसके बाद आप सर्व कर दो, निकाल लो। इफ्तार हो चुकी है और अब मैं चाय पी रही हूँ, और यहाँ मेरे बेटे को खेलने का मन किया तो वो अब खेल रहा है। खेल रहा बेटा? बा 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 बा, निकल गया, वेरी गुड। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो खेलने? अरे 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 अरे, वाह 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 वाह, अरे अरे अरे, खुश हो रहा है, खुश हो रहा है। ललका बॉल के ऊपर खड़ा हो रहे हो, निकालो निकालो, सारा निकालो, फूट जाएगा ना बेटा। किक करो, किक करो, किक करो, वेरी गुड, किक करो, वाह वाह।
तो चलिए आज का ब्लॉग मैं ख़त्म करती हूँ, और आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और ध्यान रखे, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। यस आ अभी मैं चाय पी रही हूँ, प्लीज़ 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 बेटा, अभी मामा चाय पी